अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद चाइना। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार बम्बई सिंधी बिरयानी। आप ईद पर अपने मेहमानों के लिए बिरयानी बना सकते हैं। आज की रेसिपी है बहुत खास, तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरे चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें और बराबर में दिए गए बैल को प्रेस करें ताकि मेरी ऐसी नई मज़ेदार पकवानों की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जो हम बिरयानी बना रहे हैं उसके लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये सब सामान मैंने रख दिया आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये हमने प्याज है जो हमने बारीक बारीक काट के रखी हुई है, पहले से धो के साफ सुथरी प्याज कटिंग करके रखी हुई है। और ये हमने सारे मसाले जो उसमें बिरयानी में ऐड होंगे, ये तेज़पात पत्ते हैं आप देख सकते हैं, और ये लौंग है जो मैंने 4 से 6 अदद लौंग ली है, और ये हरी इलायची है छोटी वाली जो मैंने 4 से 5 इलायची ली है, और ये काली मिर्चें जो आप देख सकते हैं ये काली मिर्चें ली हैं, और ये बड़ी इलायची है जो मैंने ज़्यादा रखी हुई है लेकिन इसमें आप अपने हिसाब से ज़रूरत डाल सकते हैं। और ये जायफल है, और ये दालचीनी है, और ये बादियान के फूल है, और ये जावत्री है। बिरयानी का मसाला है जो मैंने आपको बनाने का तरीका बताया था, ये आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में मौजूद है, आप वहाँ से विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, ये वो मसाला घर का बना हुआ जो मैंने बनाया था उसमें आप देख सकते हैं। और ये पेपरी पाउडर है जिसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी, और ये नमक है इसमें ऐड करूँगी, और ये आलू बुखारे हैं जो मैं बिरयानी तैयार होने के बाद कोरमा तैयार होने के बाद उसमें आखिर में डालूँगी, और ये केवड़ा है ये भी बाद में यूज़ होता है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है ये 4 स्पून मैंने लिए हैं, और ये जाफरानी कलर है जो बिरयानी में हम डालेंगे बाद में, और ये हरी मिर्चें हैं 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, ये पुदीना है साफ करके रखा हुआ है, और ये 1 प्याली मैंने दही लिया हुआ फेंटा हुआ, और ये 1 प्याली मैंने ऑयल लिया है उसमें डालने, और ये चिकन है मैंने तकरीबन 1 किलो चिकन लिए धो के साफ सुथरी करके रखी हुई है, और ये टमाटर है मैंने 6 से 8 अदद टमाटर लिए हैं, तो मैं इसमें आखिर में गार्निशिंग के लिए रखूँगी टमाटर, बाकी 6 उसमें डालूँगी। और ये चावल है जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं, देखिए आप, और ये चावल ऐसे ही लेने, लंबा वाला चावल लेना, अच्छे क्वालिटी का चावल लेना ताकि आपकी बिरयानी खिली खिली बने। ये देख सकते हैं आप, चावल मैंने पहले से भिगो के रखे हुए हैं, अब मैं इसको एक चूल्हे पर चावल बॉयल करने के लिए रख दूँगी, और एक चूल्हे पर मैं कोरमे का मसाला तैयार करूँगी। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले ऑयल डालेंगे, ये मैंने ऑयल डाल दिया इसमें, मैं इसमें ये प्याज फ्राई करूँगी। राइस ब्राउन कलर हो जाएगा प्याज का जब तक मैं इसको फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं मैं प्याज फ्राई कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप हमारी प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन कलर का आ चुका है। इसके बाद मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने रखा था 4 स्पून तकरीबन 4 स्पून इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, मैंने इसमें ऐड कर दिया, अब इसमें हमने तो गोश्त ऐड कर देंगे, करीब 5 से 10 मिनट तक हम इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इसको चिकन को फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसके स्मेल जो है ना निकल जाए। ये अदरक लहसुन के साथ हम इसको फ्राई करते हैं तो इसकी स्मेल निकल जाती है। उसके बाद हम इसमें ये जो मसाले हमने रखे थे वो सब आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देंगे, पहले थोड़ी फ्राई कर लूँगी, 2 से 3 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी इसमें। अब हम इसके अंदर सब ऐड करेंगे, इसमें दही डालेंगे, कर दिया इसमें, तो जो मसाला मैंने घर का बनाया हुआ था आपको दिखाया था बनाने का तरीका वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये पेपरी का पाउडर डालूंगी हाफ टी स्पून उसमें, और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूंगी, अभी देखिए आप इसका तो कितना ज़बरदस्त कलर इसका आ रहा है। मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए जो बनाए थे मैंने, दही भी इसमें डाल दिया, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, जब तक हम टमाटर कटिंग कर लेते हैं और फ्लेम इसकी थोड़ी कम कर देते हैं।
वो सिलो कर दी मैंने इसकी फ्लेम। अभी ढक्कन ढक रही हूँ मैं इसका, ये देख सकते हैं आप। अभी इसमें मैं तेज़पत्ता डालूँगी, चंद तेज़पत्ता इसमें ऐड करूँगी। अभी चंद काली मिर्चें जो मैंने रखी हुई थी वो ऐड करूँगी इसमें। और ये छोटी सब्ज इलायची इसमें ऐड करूँगी, आप देख सकते हैं। और ये लौंग इसमें ऐड करूँगी। और ये जायफल थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी। और ये बादियान के फूल इसमें ऐड करूँगी, खुशबू के लिए होते हैं ये। और ये बड़ी इलायची मैं इसमें ऐड करूँगी। और ये सब चीज़ें इसमें मैंने डालती हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका मसाला हो गया तैयार। और ये 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी हमारी चिकन, क्योंकि वो दही पानी छोड़ेगा, दही के पानी में गल जाएगी चिकन। और थोड़ा हम टमाटर इसमें डालेंगे, टमाटर के पानी में गल जाएगी। फिर उसके बाद हम चावल बॉयल करेंगे अलहदा से, फिर उसकी लेयर लगाना बताऊंगी कैसे लगाना है। टमाटर इतनी देर में जितना हमारा बिरयानी का कोरमा तैयार हो रहा है, मैं टमाटर पत्ते पहले स्लाइस की तरह कटिंग कर लूँगी। ये देखें स्लाइस की तरह मैं टमाटर कटिंग कर रही हूँ। अभी टमाटर हम लास्ट में डालेंगे और दो टमाटर में गार्निशिंग करने के लिए बिरयानी में जब लेयर लगाऊंगी लास्ट में डालूंगी। आप देखिएगा लेयर के ऊपर लगेंगे टमाटर कैसे लगेंगे। अभी देखिए मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। ये देखिए हमारा कोरमा का ज़बरदस्त कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है, कितना अच्छा इसमें नज़र आ रहा है दिखने में। देखें कितना ज़बरदस्त इसका रोगन आ गया है, मसाला तो ज़बरदस्त इसका मैंने बनाया है। घर के मसाले की बात ही कुछ और है। अब हर कोई तो बाज़ार के मसाले अफोर्ड नहीं कर सकता ना, घर के मसाले की भी आनी चाहिए बिरयानी बनाने का तरीका। बाहर के मसाले तो हर कोई तैयार कर लेता है, लेकिन घर के मसालों को तैयार करना है जब है बात। हाँ घर के मसालों में अगर आप बिरयानी तैयार करें फिर है मज़े की बात। अभी इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड कर दूँगा ताकि ये टमाटर और ये चिकन थोड़ी सी गल जाए। मैं आधा कप के करीब पानी इसमें ऐड कर दिया मैंने। अब ये इसमें चिकन और टमाटर दोनों थोड़े से हो जाएंगे, थोड़ी 10 मिनट तक मैं इसको छोड़ दूँगी ढक्कन रख के। 10 मिनट बाद ये बिल्कुल हमारी चिकन रेडी हो चुकी होगी। फिर हम चावल बॉयल करके फिर उसकी लेयर लगाना आपको बताएंगे किस तरह से लेयर लगाना। मिर्चें में दो तो पीस करके रख रही, तैयार करके रख रही हूँ, जैसे कौरमा हमारा रेडी हो जाएगा। फिर लास्ट में हरी मिर्चें डालेंगे और पुदीना डालेंगे और लींबू डालेंगे लास्ट में। बिल्कुल ना कौरमा बिल्कुल तैयार हो जाएगा, उसके लास्ट में हम ये कटी हुई हरी मिर्चें ये हम इसमें डालेंगे। मैंने काट के रख लिया रेडी करके। ये देखिए अब हमारा कौरमा बिल्कुल रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गया है। ज़बरदस्त इसमें रोगन आ गया। अब इसके ना लास्ट में हम जो है ना हरी मिर्ची इसमें ऐड कर देंगे। ये देख सकते हैं हरी मिर्ची हमने सबसे लास्ट में ऐड करी है। और ये पुदीना हमने थोड़ा सा ऐड कर दिया, थोड़ा सा गार्निशिंग के रखेंगे लास्ट में डालने के लिए। और ये हमने ऐड कर दिया। ये आलू बुखारे हम इसमें डालते हैं, ये आलू बुखारे। अब इसको अब इस चावल बॉयल करने हैं। अब हम चावल बॉयल करके पेस्ट की कौरमे की और बिरयानी की लेयर लगा के आपको बताएंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त मेरा बिरयानी का कौरमा तैयार हो गया है। मम्मी बिरयानी का कौरमा रेडी हो चुका है बिल्कुल। इतना ज़बरदस्त कलर इसका आया, आप देख सकते हैं एक ही बॉडी कितनी ज़बरदस्त, ना बॉडी टूटी है ना कुछ हुआ है, इतनी ज़बरदस्त कलर आया, इतनी ज़बरदस्त कौरमा तैयार हो गया। ठीक है पानी बॉइल हो गया। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून नमक डाल के तो ये चावल बॉइल करूँगी। उसमें थोड़ा सा इसमें गरम मसाला भी इसमें ऐड करूँगी बॉइल करते हुए। देख सकते हैं आप थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये इसमें से मैंने खास कर चीज़ें इसमें दालचीनी काली मिर्चें लौंग ये इसमें डाल दी मैंने। इसमें चावल डाल दूँगी इसके अंदर में, इसमें मैं चावल डालूँगी। आप देख सकते हैं ये मैंने 1 किलो चावल लिए थे अच्छे क्वालिटी के और 1 ही किलो मैंने चिकन लिए। अभी इसमें चावल बॉयल जाएंगे और ये हमारा लास्ट या चल लास्ट काम चल रहा है। चावल बॉयल हो जाएंगे उसके बाद हम बिरयानी की और कौरमे के लेयर लगा के फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और 5 मिनट में पहले चावल बॉयल हो जाएंगे क्योंकि हमारे काफ़ी देर से 2 घंटे से चावल बने लिए हैं। 5-10 मिनट में चावल बॉयल जाएंगे।
एक अनी हमें चावल के उबाल, एक अनी रखने चाहिए इस तरह उबाले, सिर्फ एक अनी चावल रह जाए वो नमक, फिर हम उसको छान लेंगे चलने में, उसके बाद हम तेल लगाएंगे, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा कोरमा रेडी है, आधा कोरमा मैंने डिश में निकाल लिया है। अब हम इसकी तेल किस तरह लगाएंगे, इसकी लेयर लगानी है। देखिएगा ये मेरे चावल कितने ज़बरदस्त खिले खिले बॉयल हुए हैं, ये मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिए चावल। अब मैं इसकी लेयर लगाना शुरू करूँगी, ये आप देख सकते हैं इस तरह इसकी लेयर लगेगी। पहले कोरमे की लेयर आएगी, सबसे पहले लेयर कोरमे की आएगी, फिर उसके बाद चावलों की लेयर आएगी। देख सकते हैं आप चावल की लेयर आ रही है इसके अंदर। अब इसमें हम ये टमाटर लगाएंगे, बीच में टमाटर लगा दिए हमने, ये इसमें थोड़ा सा हमने पुदीना डाल दिया, अभी थोड़े से हमने इसमें लीमू लगा दिए, लीमू लगा दिए इसके अंदर में थोड़े से, और इसके अंदर फिर एक कोरमे की फिर लेयर आएगी। देख सकते हैं आप कोरमे की लेयर आ रही है इसके अंदर, पूरा कोरमा मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इसके अंदर लास्ट में फिर इसमें ये बॉयल किए हुए चावल की लेयर लगा दूंगी। ये हुई हमारी बम्बई की सिंधी बिरयानी, ज़बरदस्त किस्म की, ये मेरी तो बहुत फेवरेट है बिरयानी, और यकीनन ज़्यादा तो लोगों की फेवरेट होगी, आप सब लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। ये तकरीबन पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा लोग बिरयानी पसंद करते हैं, खाना ज़्यादातर बहुत शौकीन होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो बिरयानी नहीं खाते, वरना अमूमन मैंने देखा ज़्यादातर बिरयानी बहुत पसंद की जाती है, और मेरी तो सबसे फेवरेट डिश है बिरयानी। अभी आप देख सकते हो ज़बरदस्त ये बिरयानी रेडी हुई है। अब इसमें मैं लास्ट में क्या करूँगी, अब आप देख सकते हैं, ये देखें इतनी ज़बरदस्त इसकी लेयर लग चुकी है, ये मैंने इसमें ये पूरे चावल इसमें ऐड करती हूँ। अब ये जर्दे का कलर मैंने केवड़ा और जर्दे का कलर इसमें मिला के केवड़े के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, फिर जर्दे का कलर डाला है। अब मैं इसको इस तरीके से इसमें आखिर में जो लास्ट में जो है ना वाइट चावल रखते हैं, ताकि ये कलर अच्छी तरीके से इसका आए। देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म की है, और ये 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे, उसके बाद हम ट्रे में निकाल के आपको सर्व करके दिखाएंगे। अब ये ढक्कन रख लेती हूँ मैं इसके ऊपर, ये ढक्कन रख दिया, 5 से 10 मिनट में ये बिल्कुल रेडी आएगी, फिर मैं डिश में निकाल के आपको दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी बिरयानी देखिए आप, हमारी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसको देखती हूँ, थोड़ा सा चावल को ऊपर नीचे करके हल्के से पलटती हूँ, अभी देखिए वो ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है मेरी बिरयानी। अभी हल्का से इसको हम बिल्कुल हल्के हल्के ऐसे करते हैं, ताकि जो है ना चावल ना टूटे, और इसमें मैं जो है ना थोड़ा सा ये ऑयल भी डालूँगी, ऑयल ज़रूर डालना होता है जब चावल को हम पलटते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दें, इससे चावल जो है ना और ज़्यादा खिला खिला बनता है, बिल्कुल खिले खिले चावल, एक भी आपका चावल का दाना नहीं टूटेगा सर, बिल्कुल खिले खिले चावल बनेंगे आपके। देखें आप इतनी ज़बरदस्त बिरयानी मेरी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी मज़ेदार बम्बई सिंधी बिरयानी रेडी हो चुकी है। ये ईद की स्पेशल डिश है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट्स भेजिएगा कि आपको मेरी बनाई हुई बिरयानी कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई। मुझे यकीन है आपको ये मेरी बिरयानी बहुत पसंद आएगी, ज़रूर आप ट्राई करेंगे, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी ऐसी ज़बरदस्त पकवानों की वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।